तो गाइस यार बड़े दिनों बाद मैं आया हूँ सुपरमार्केट में, क्योंकि हमारे घर का राशन खत्म हो गया था। अबे यार यहाँ तो ब्रेड्स वगैरह रखी हुई है, ये लास्ट में लेंगे, सबसे पहले लेंगे जरूरत का सामान। चलो फ्रिज में मुझे मटर दिखाई दे रहा है। अरे कोई है क्या, प्लीज मदद कर दो। एक मिनट, ये कैसी आवाज थी? अबे फ्लैश, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं भी क्या बोल रहा हूँ, शॉपिंग करने आया होगा, इसकी तो उम्र हो गई है यार। बेटा जरा देखो तो सही, मैं अपना कार्ड डाल रहा हूँ पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, पैसे निकल ही नहीं रहे हैं, अगर तुम कोई मदद कर सको तो। अरे डूड, ये तो तुम हो, जरा मेरी हेल्प कर दो ना, एटीएम से पैसे ही नहीं आ रहे है, मैं सामान कैसे खरीदूंगा। अरे यार मैं हूँ ना, तुम मेरे साथ आओ, तुमने जो भी लिया ना मुझे बता देना, मैं उसका पे कर दूंगा, तुम मुझे बाद में दे देना। अंकल मेरी बात सुनो, फ्लैश ने मतलब के ये अंकल ने जो भी सामान निकाला है ना, मुझे उसका बिल दे दो, आज इनके सामान का पूरा बिल मैं पे करूंगा। अरे बेटा तुम किसकी बात कर रहे हो, किसका बिल, किसका सामान, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे यार क्या बात कर रहे हो, मैं इनकी। एक मिनट गाइस, अबे यार ये क्या हो गया फ्लैश को, ये बेहोश हुआ है या फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करता हूं, उसको टोनी के पास लेके जाता हूं, मुझे जल्दी से जल्दी पहुंच ना होगा, बस इसे कुछ हो ना यार, मेरे तो पसीने छूट रहे। तो गाइस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईपीएल शुरू हो चुके हैं, तो इस बार खाली आईपीएल देखो ही नहीं बल्कि उस पे अपने ओपिनियन देके काफी प्राइजेस जीतो, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जैसे हु विल विन द मैच और हु विल विन टॉस, ऐसे ही 50 प्लस तरह के क्वेश्चंस में अपने ओपिनियन बता के आप काफी प्राइजेस जीत सकते हो। lotus365 पे जाके रजिस्टर करिए और पाइए ₹365 का बोनस। यहाँ पर आपको मिलता है 1-to-1 24 आवर कस्टमर सपोर्ट, उसी के साथ यहाँ पर खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स। यहाँ पर क्रिकेट के अलावा है 200 प्लस क्वेश्चंस जहाँ पर आप अपने ओपिनियन दे सकते हो और जीत सकते हो अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे और लिंक पिन कमेंट बॉक्स में। गाइस यार हम लोग कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, फ्लैश यार तब तक हिम्मत रखना। चलो घर के पास तो मैं पहुंच गया हूं, जल्दी से गाड़ी को यहां पर पार्क करता हूं। धोनी यार देखना फ्लैश को क्या हुआ है, ये सुपरमार्केट में बेहोश हो गया था, मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है, मुझे लगता है इसकी उम्र हो चुकी थी और तुम तो उसके सामने ही थे ना, तुम्हें कैसे नहीं पता? अरे यार नहीं पता तो नहीं पता, मैं तो इसका बिल पे कर रहा था, जब तक पीछे मुड़ा ये बेहोशी पड़ा था। ये तुम क्या कह रहे हो, वैसे मेरे पास एक तरीका है, हम पता कर सकते हैं इसके साथ क्या हुआ था। क्या बात कर रहा है, वो कैसे? मेरी टाइम मशीन से, वैसे ही बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ी है, इसे थोड़ा यूज भी कर लेंगे। अरे यार ये हुई ना बात, इससे हम लोग फ्लैश की जिंदगी के बारे में भी जान पाएंगे, तो तुम तैयार होना, मैं जाके मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ, आज हम लोग फ्लैश की जर्नी देख ही लेते हैं। चलो मैं पहुँच गया हूँ डूड, और ये मैंने बटन दबा दिया। तो गाइस यार हम लोग तो तैयार है, और अगर आप लोग भी तैयार हो फ्लैश के बर्थ से लेकर डेथ तक की स्टोरी सुनने के लिए, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से परिवार के साथ, वो लोग अपनी जिंदगी सुखी सुखी गुजार रहे थे, और अगर काम की बात की जाए तो पापा खेती बाड़ी करते थे और माँ सिंपल सी हाउसवाइफ थी। पर फिर अचानक से एक दिन कुछ ऐसा होता है, उस जगह बहुत भयानक बारिश आती है, वो लोग टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उनकी जितनी भी फसल थी वो सब पानी की वजह से खराब हो सकती थी। अरे बेटा अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। 3 दिन बाद बारिश रुकती है, पर अब उनके खेत की हालत कुछ ऐसी थी, सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। अरे पापा ये सब क्या हो गया, यहाँ तो सारा कबाड़ जमा हो चुका है। अरे नहीं अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे घर पर तो खाने के लिए राशन भी नहीं है और ना ही इतने पैसे कि हम लोग कुछ ला सके। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें भूखा रहने नहीं दूंगा, मैं जाकर कोई ना कोई काम ढूंढता हूँ। चलो ये जगह ठीक रहेगी, जाकर उस इंसान से पूछता हूँ, मुझे लगता है वही यहाँ सब कुछ मैनेज कर रहा है। सर मेरी बात सुनिए, यहाँ पर मेरे लायक कोई काम है तो बताइए। हाँ तुम्हारे लायक काम तो है मेरे पास, पर तुम्हें खुदाई करनी पड़ेगी, मंजूर है तो बोलो। अरे सर आप जो बोलोगे चलेगा, मुझे बस काम चाहिए। अच्छा ठीक है, जाओ और जाकर शुरू हो जाओ, तुम्हारी ड्यूटी आज से ही शुरू कर देते हैं। इस आदमी ने काम तो हाथ में ले लिया था, पर जब नसीब ही खराब हो तो कुछ नहीं कर सकते। उस रात खदान में चोरी होती है, अब वो किसने की किसी को नहीं पता। तुम्हें वो हो ना जिसने मेरी खदान से चोरी की है, सच्ची सच्ची बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अरे नहीं मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरी बात का भरोसा कीजिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे नहीं मुझे जाने दो, मुझे लग रही है मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज जाने दो। प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, उसने कुछ भी नहीं किया। अब मेरा दिमाग सटक रहा है, लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, तुझे सजा तो मिलेगी, ये ले। ये तुमने क्या किया,
वही जो तेरे साथ करने वाला हूँ, ये ले। अरे नहीं, ये गोली चलने की आवाज तो मेरे घर साइड से आ रही है, पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे बाप रे, ये लोग कौन है? एक काम करता हूँ, साइकिल को यहीं पर रोक के छुपके से देखता हूँ, मुझे यहाँ से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। एक काम करता हूँ, इनके जाने का इंतजार करता हूँ। चलो, वो लोग चले गए है। अरे नहीं, ये क्या? मम्मी पापा, ये आपको क्या हो गया है? मुझे लगता है उस गुंडे ने इन्हें गोली मार दी है। अब मैं क्या करूंगा? मैं अकेला बचा हूँ, मैं उन गुंडों को छोड़ूंगा नहीं। जल्दी से जाकर ढूंढता हूँ, आज तो उनकी खैर नहीं, उन्होंने मेरे मम्मी पापा के साथ क्या कर दिया। वो जहाँ कहीं पर भी होंगे, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। वो बच्चा डर चुका था, सहम चुका था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं। वो सीधा बदला लेने निकल पड़ा, पर वो ये भूल गया था कि वो अभी भी एक छोटा सा बच्चा है और वो ऐसा करने से खुद को खतरे में डाल सकता है। अरे एक मिनट, वो कौन है? एक मिनट, ये क्या? ये तो सुपरमैन है। सुपरमैन, मेरी बात सुनो, मेरे मम्मी पापा को किसी गुंडे ने गोली मार दी है। मैं चाहता हूँ तुम उन्हें ढूंढो और उनसे मेरा बदला लो। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि वो सारे गुंडे कहाँ मिल सकते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा के कातिल भी वही हो सकते हैं। प्लीज उन्हें मत छोड़ना, उन्होंने मुझे अकेला कर दिया है। अब मेरे पास किसी का सहारा नहीं, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। चिंता मत करो बच्चे, तुम बस मेरे पीछे आओ, यही वो जगह है। यहाँ के सारे गुंडों को ही मार देता हूँ, इसमें से जो भी गुनहगार होगा उसे सजा अपने आप मिल जाएगी। वैसे भी इनमें से कोई भी शरीफ नहीं है, सारे के सारे चोर या हत्यारे ही है। ये ले और ये खा। बच्चे मुझे लगता है कि मैंने तेरा बदला ले लिया है, अब जो भी होगा इनमें से कोई होगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुनो सुपरमैन, मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है, क्या तुम मुझे ट्रेन करोगे? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, पर इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तुम जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। चलो तो अब शुरू हो जाओ, जब तक मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहता। रुकना मत, तुम्हें इस पर भागना है, याद रखना, अगर थक भी गए तो रुकना मना है। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाके भागना शुरू करता हूँ। इस मशीन को स्टार्ट करो, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। अच्छा ठीक है, ये लो। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा स्पीड चलती है, मुझे कब रुकना है बता देना। अभी तो बहुत वक्त है, इतना जल्दी ये सब खत्म नहीं होने वाला। अरे पर मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। सुपरमैन ने देख लिया था कि इस बच्चे की स्ट्रेंथ है इसकी स्पीड, इसलिए वो उसे लगातार भगाता रहा ताकि चेक कर सके कि ये किस हद तक जा सकता है। पर वो बच्चा भी कम नहीं था। घंटे बीते, दिन बीते, वो बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही भागते रहा। अब तुम तैयार हो बच्चे, तुम्हें इस ग्राउंड के 100 राउंड लगाने हैं और 100 के पहले रुकना मत। अरे पर सुपरमैन, आज तो बारिश हो रही है, मैं कैसे भागूंगा? इसमें मैं बीमार पड़ सकता हूँ। चुपचाप भागो बच्चे, सुपर हीरो बीमारी का बहाना नहीं करते। अच्छा ठीक है, एक मिनट, बिजली कुछ ज्यादा ही जोर से कड़क रही है। मैंने कहा भागो। अच्छा ठीक है, अभी भागता हूँ। 100 राउंड मारने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा अभी या नहीं। एक तो बिजली भी इतनी ज्यादा जोर से कड़क रही है, मुझे देख देख के ही डर लग रहा है। अरे नहीं, ये क्या? बहुत जोर से चटका लगा है, बिजली तो सीधा मुझ पर ही गिर गई थी। पर एक मिनट, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं जिंदा कैसे हूँ? चलो ये सब जानने देता हूँ, अगर सुपरमैन ने देख लिया कि मैं चल रहा हूँ तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं जल्दी से भागना शुरू करता हूँ। अरे ये क्या हो गया, अचानक से मैं इतनी तेज कैसे भागने लग गया? कहीं ये उस बिजली की वजह से तो नहीं हो रहा है? ऐसा लग रहा है उस बिजली ने मुझे पावर दे दी है। देखते ही देखते उस बच्चे ने 100 राउंड कब लगा लिए उसे भी पता नहीं चला। जो काम करने में उसे कई घंटे लग जाते वो उसने 1 या 2 मिनट के अंदर ही कर दिखाया। ये रहा सुपरमैन, देखो मैंने 100 राउंड लगा लिए है। ये तुम में अचानक इतनी पावर कहां से आ गई? तुम्हारे साथ कुछ हुआ था क्या? हाँ, जब मैं भाग रहा था मेरे ऊपर बिजली गिरी, पर मुझे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा अब मैं समझा, तुम भी हम में से एक ही हो, तुम पहले से एक सुपर हीरो थे। अब कुछ साल बीत चुके हैं और वो बच्चा 15 साल का हो चुका है, जिसका नाम बैरी था। आज तो सुपरमैन ने मुझे बुलाया है, पता नहीं वो मुझे कुछ काम देने वाला था। जल्दी से उसे फोन करता हूँ। हाँ सुपरमैन, मैं स्कूल से निकल चुका हूँ, मुझे बताओ कहाँ पर आना है। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाओ और जल्दी से आना। जल्दी की चिंता मत करो, तुम्हें तो पता ही है मेरी स्पीड, मैं कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। चलो अब चलता हूँ जल्दी से भागकर, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। अरे ये लोकेशन तो ग्राउंड के पास खत्म हो रही है। सुपरमैन तुम यहीं पर थे तो मुझे सीधा ही बोल देते। अरे तुम भी इसी स्कूल के हो क्या? मुझे पता नहीं था। वैसे ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। अरे ये तो एक सूट है, ये तुमने मेरे लिए बनाया है। अब तुम सुपर हीरो बन ही गए हो तो वैसा लगना भी चाहिए, इसलिए हमारी तरह तुम्हारे पास भी एक सुपर हीरो सूट होना जरूरी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे देख के बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ। क्या मैं इसे पहन लूँ? हाँ जरूर, तुम्हारा ही है। अच्छा ठीक है, अभी पहनता हूँ। अरे वाह, इसकी फिटिंग तो एकदम बराबर आई है, ये कमाल का सूट है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूँ, ये बहुत ही खतरनाक काम है। डूम्सडे धरती पर आ गया है और वो एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब बना रहा है। तुम्हें सबसे पहले जाके उस बॉम्ब को डिफ्यूज करना होगा और उसके बाद डूम्सडे को हराना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो शहर को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। बोलो ये कर पाओगे? अरे हाँ मैं कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। सबसे पहले भाग कर जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि उन्होंने बॉम्ब को कहाँ पर रखा है। चलो मैं चलता हूँ, मुझे जल्दी से जाके उस बॉम्ब को ढूंढना होगा, शहर का कोना कोना छान मारूंगा। ये तो अच्छा है कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो ये काम मैं चुटकियों में कर सकता हूँ। वैसे भी आधा शहर तो मैं घूम चुका हूँ, पता नहीं उन्होंने बॉम्ब को कहाँ पर लगाया होगा। अब बस एक जगह बाकी है, काश के वो इसी के अंदर हो। वैसे भी एक लैब है। एक मिनट, यहाँ तो बहुत सारे गुंडे हैं, तुम्हारी तो मैं ऐसी की तैसी, मेरे रास्ते से हट जाओ। अब तो पक्का हो गया कि वो बॉम्ब यहीं पर होगा। ये लो और ये खाओ, और अब ये लो, मुझे सबको मारना होगा वरना ये लोग मेरे रास्ते के बीच में आएंगे। चलो इसका काम भी हो गया, अब जल्दी से अंदर जाता हूँ। चलो अंदर तो मैं पहुँच गया हूँ। अब पता नहीं वो बॉम्ब उन्होंने कहाँ पर रखा होगा।
लगेगा। यह जगह तो कुछ ज्यादा ही बड़ी है, पर एकदम भूल भुलैया जैसी है। यहाँ तो अलार्म लगे हुए है, इसका मतलब बॉम्ब यही पर होना चाहिए। कहा जा सकता है, एक मिनट, मुझे लगता है यही बॉम्ब है। इसका कंट्रोलर कहीं तो होगा, मुझे इसे जल्दी से जल्दी डिफ्यूज करना होगा। एक मिनट, मुझे लगता है यही इसका कंट्रोलर है। ये लो, ऐसा लग रहा था कि बॉम्ब चार्ज ही हो रहा है। चलो फाइनली इसे डिफ्यूज कर दिया मैंने। अब जल्दी से जाता हूँ और डूम्सडे को ढूंढता हूँ, मुझे उसे खत्म भी करना है। बच्चे मेरी बात सुनो, मुझे डूम्सडे की लोकेशन मिल चुकी है, वो शहर के बीचों बीच है। अच्छा ठीक है, मैं भी जाता हूँ, सुपरमैन ने तो यही लोकेशन बताई थी। ये रहा डूम्सडे, आज तो इसकी खैर नहीं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा तो वो तुम ही हो जिसने मेरे बॉम्ब को डिफ्यूज किया और मेरे प्लान में बाधा बनाई। हाँ मैं वही हूँ और मैं ऐसा करता रहूंगा। तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, तुम बच्चे हो मेरे सामने। मुझे तुम्हें जानना भी नहीं है, पर आज जो तुम करने वाले थे तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। अच्छा ऐसी बात है, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक मिनट, ये कहा गया? आउच, तुम यहाँ कब पहुँचे? मैं कहीं पर भी पहुँच सकता हूँ, तुम तो मुझे नए नए खिलाड़ी लग रहे हो। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, सुपरमैन ने पहले कहा था ये खतरनाक हो सकता है। अच्छा तो सुपरमैन ने तुम्हें भेजा है, वो तो मेरा पुराना दुश्मन है। अब तो और भी मजा आएगा, जब मैं तुम्हें मार के तुम्हें उसे गिफ्ट करूंगा तब उसे मेरी दहशत के बारे में पता चलेगा। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, मुझे बस एक मौका दो, मैं तुम्हारी बैंड बजा के रख दूंगा। मौका दिया नहीं जाता, लिया जाता है। तुम एकदम सही कह रहे हो, मुझे मौका लेना ही होगा। अब मैं और मार नहीं खा सकता, इसे सबक सिखाना जरूरी हो गया है। तुम क्या मुझे सबक सिखाओगे? ऐसी बात है तो ये लो, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे आसानी से हरा दोगे? मुझे मारना इतना आसान नहीं है, मुझे सुपरमैन ने ट्रेन किया है और तुम्हें तो पता ही है वो कितना खतरनाक है। तुम जैसे लोग उससे डरते हैं। मैं किसी से नहीं डरता। ये लो घूमते जाओ, इस छोटे से तूफान ने तुम्हारी हालत खराब कर दी है। आखिरकार मैंने इसे सबक सिखा ही दिया, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहा था। ऐसे फ्लैश ने देश की सेवा की, पर अब कहानी में बहुत आगे बढ़ते हैं। जब हमारा फ्लैश 99 ईयर का हो जाता है, अब वो काफी बूढ़ा था और काफी ज्यादा कमजोर। फिलहाल वो अपना सामान लेने के लिए सुपरमार्केट जा रहा था, पर उसे नहीं पता था कि ये उसके जिंदगी का आखिरी दिन है, उसकी उम्र हो चुकी है। अरे बाप रे, मेरी कमर गई। चलो जैसे तैसे करके पहुंच गया हूँ, अब जाके सामान ले लेता हूँ, पहले एटीएम से थोड़े पैसे निकाल देता हूँ। अरे बस बस टोनी, इसके आगे का तो मुझे पता है, मैं इससे यही पर तो मिला था। अब ये मशीन बंद कर दो। अब तुम समझे, फ्लैश हमारे बीच में नहीं रहा, ये बेहोश नहीं हुआ है, ये इसकी अंतिम सांस थी। अरे यार फ्लैश, मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। गाइज यार, फ्लैश के लिए जल्दी से लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख देना फ्लैश ओपी। साथ ही में सब्सक्राइब कर देना हमारे शॉर्ट वाले चैनल को और हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।